यार बढ़िया, ज़बरदस्त लस्सी और ठंडी, इसको बोलते हैं लस्सी जी। एक तो बाज़ार में मिलती है नमक डाल के, जी जी जी, मगर वो लस्सी नहीं है, वो पाउडर होता है। अच्छा अच्छा, बुलाया इधर, वो तो से मदारी मदारी मदारी, तो चलो भाई पियो। अच्छा, गुच्छ बोलते हैं, गुच्छ, हाँ जी, ये 10 दिन के बाद खाने का मजा, 3-4 बीमारियों का इलाज है जी। हैबिटी हो, पेट खराब हो जी, कमजोरी हो, ये खाओ तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नईम अशरफ और आप देख रहे हो नईम क्लिक्स, और मेरे साथ हैं शाहिद भाई, और हम जा रहे हैं रफ़ियाबाद बोसियाँ साइड। एक बोसियाँ हमारी साइड भी है जो कि बहुत लोगों ने उसको एक्सप्लोर किया हुआ है, तो आज हम आपको ले चलेंगे बोसियाँ रफ़ियाबाद। तो बने रहिए 20 किलोमीटर आगे, तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सारे व्यूज़ वहाँ के दिखाएँगे, कैसा कैसा व्यू है वहाँ पर, तो बने बने रहिए। तो फाइनली गाइस, हम यहाँ पे पहुँच गए, बहुत थक गए हम, तो अभी तक हमें बहुत टाइम लग गया, नीचे से लगभग 20 मिनट लग गए, हमें कुछ सामान भी था, तो अभी हम यहाँ के हमारे साथ जो इनसे भी बात करेंगे कि इनको कैसा मज़ा आ रहा है, और यहाँ का अगर हमें कोई लोकल मिला तो हम फ़िलहाल जाएंगे वो जो पार आपको देख रहे हैं वो मड हाउसेस की तरफ जाएंगे, फ़िलहाल हम इनसे बात कर लें कि आपको कैसा लगा यहाँ आके। देखिए जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जी, प्रॉब्लम सिर्फ सड़क ही हुई जी, कि अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे देती, सड़क ठीक ठाक हो जाती, बड़ी टूरिस्ट जगह है। मैं खुद 300 किलोमीटर से आया जी, मगर रास्ते में बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन आखिरकार हमने अपनी मंजिल तक पहुँच ही गए जी। तो देखिए ये जंगलात कैसे, मैदान सब्जार, और इसको गुच्छ बोलते हैं, गुच्छ, हाँ जी, ये 10 दिन के बाद खाने का मज़ा, 3-4 बीमारियों का इलाज है जी। हैबिटी हो, पेट खराब हो जी, कमज़ोरी हो, ये खाओ तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अच्छा, गुच्छ बोलते हैं इनको, गुच्छ, और भी कोई मेवा वेवा होता है, बुढ़ी मेवा उसको बोलते हैं। अच्छा, बुढ़ी मेवा, वो आगे चलेंगे ना जैसे 13 किलोमीटर जी दूर, उस बुलंदी पर जाकर उसको बोलते हैं बुढ़ी मेवा जी। जी, वो गोल गोल होता है जी, जैसे ये लोग टाफियाँ चिंग वगैरह बनाते हैं, इसी शक्ल का वो भी होता है, नीचे से वो फूल की तरह ऊपर ऊपर आगे गोल होता है जी, बड़ा मीठा होता है, वो खाने से ताकत बढ़ती है कमज़ोर आदमी को, लाइट में फ़र्क हो किसी को वो खाए, ऐसी चीज़ों से ये जंगली मेवे जो हैं बड़ी ज़रूरियात चीज़ हैं जी, तो ये खाने चाहिए। और क्या उगता है इधर, इधर का खास क्या है इधर का खास, नीचे देख रहे थे वो कुछ फर्म में लगी हुई पोटैटो, आलू की, आलू की इसको बोलते हैं, यहीं से सप्लाई होता होगा कश्मीर में आलू, इसको ये रेड आलू है जी, तो ये कश्मीर में सप्लाई होता है बड़े अच्छे, इनके आपने देखा होगा ये फार्म नीचे से भी, बिल्कुल बिल्कुल, और दाएं बाएं से भी, इसे आगे भी, जहाँ से हम आए वहाँ से एंड तक, ये गेट एंड तक जहाँ आपने देख लिया जी, 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 नीचे ऊपर दाएं बाएं सब सब जगह, सब जगह आपने देख ली, ये तैयार हो जाएंगे नवंबर के महीने में जी, तो उस वक़्त ये शाम सप्लाई कश्मीर में चली जाती है। अच्छा, लाल आलू, ताकती आलू इसको कहते हैं, बाकी आलू से इसकी डिफरेंस है। आप पहले आए हो कभी इस एरिया में? मैं पहले बचपन में आया था। अच्छा, बहुत छोटा था उस टाइम, यहाँ
कच्ची सड़कें घोड़ों पर आते थे। रोड का क्या था? रोड कोई नहीं था, घोड़ों पर आते थे हम, छोटे गधों पर चढ़ के आते थे। आज तो रोड है माशाल्लाह, आज गाड़ियां हैं, आज तो बड़ी सुलियात है, लेकिन एक ही बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही है जी। ये टूरिज्म जगह है जी, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे दे जी, सड़क हो यहाँ अच्छी तरह से, लोगों का बेरोजगार भी हो जाएगा, आने जाने का भी बहुत सहूलियत हो जाएगी जी। उसके बाद यहाँ होटल होने चाहिए, टूरिस्ट स्पॉट होना चाहिए ताकि बाहर, हालांकि बाहर के लोगों को तो पता नहीं चला ये कौन सी जगह है, लेकिन मुझे लगता है गुलमर्ग से भी बहुत अच्छी जगह है, जिस हिसाब से ये दिख रही है, पहलगाम गुलमर्ग से इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन तवज्जो गवर्नमेंट ने, हिडन प्लेस है, इसलिए हम गवर्नमेंट से इस्तदाद करते हैं कि अगर इस जगह को वो तवज्जो दें, जितने भी टूरिस्ट आएंगे वो देखेंगे और देख लो आमदनी कश्मीर की और हिंदुस्तान की और पिकअप हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ। मुझे बोलो आप यहाँ पे वो दूध घर का और लस्सी जिसको बोलते हैं वो कहाँ मिलेगी हमें यहाँ पे? आप सीधा ये सामने नजर आ रहे हैं मड हाउसेस। अच्छा अच्छा, ये 13 मड हाउसेस। अच्छा अच्छा, में जाइए जिसको कश्मीरी में, कश्मीरी में बोलते हैं गुरस। अच्छा अच्छा, तो पंजाबी में बोलते हैं लस्सी जी। हाँ, आपने पंजाब गए होंगे। मिलेगी हमें यहाँ पे वो जो आपका, आप कह रहे हो कि वो जो पार हैं जो, हाँ जो पार, ये मड हाउस नजर आ रहे हैं ना आपको जी, 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 बिल्कुल, इन दरख्तों के बीच में जी, वो सामने वो औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं जी, जी। एक औरत वो खड़ी है, नीचे भी बहुत रश है, ये दूर दराज से लोग आ रहे हैं यहाँ, तो आप इनसे जाइए, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं जी, जी। ये कश्मीरी में लस्सी बोलता है, पंजाबी में वो कश्मीरी में गुरस बोलता है, पंजाबी में लस्सी, बिल्कुल, लेकिन आप जाइए इनसे मांगे, जिसके बेचारे के पास होगी वो रोकने वाला आदमी नहीं है, तो आप पी सकते हैं, देखते हैं, हाँ देख सकते हैं, मिलेगी, ट्राई एक मार लो, नहीं है आपने बचपन में पी होगी? ओ मैंने पी है, बहुत डकार मारे हैं मैंने, उस हिसाब से मैं तभी कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं 2-4 किलो मिली जाएगी। चलो भाई, आप जाइए और ट्राई मार। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन इधर मेरे को एक कुत्ता दिख रहा है, इधर आप देख सकते हैं पीछे, लेकिन ये हमारे नाइम साहब जो हैं, हमारे कैमरामैन जो है वो इनसे डरते हैं बहुत ज्यादा, तभी वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बचपन से डर रहे हो आप, मगर ये कुछ नहीं करेंगे, चलो आगे चलो। चलो सर चलो। अब फरहान भाई, अब हमें कहाँ से मिलेगी वो लस्सी? हाँ लस्सी आपको मिलेगी जो कोठा जल रहा है ना, जिससे आग उठ रही है, बस वही है लस्सी, क्योंकि जिंदा लोग तो वही रहेंगे ना। तो गाइस हमें वो गुरस मिल गई है जिसको कश्मीरी में गुरस बोलते हैं, और हम लोग इसे बोलते हैं लस्सी, पंजाबी और उर्दू में भी बोलते हैं यही, तो चलिए हमें मिल गई है, तो हम तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें पिला दी, क्योंकि यहाँ का जो है प्योर दूध होता है, हम तो पीते हैं दूध, लेकिन वो बाज़ार का दूध होता है बहुत ही मिक्स, वो तो 50% भी देसी नहीं होता है प्योर, ये तो 100% प्योर दूध है, और इसकी ये बस ये लस्सी बहुत तगड़ी मिलती है इधर, जब चाहो आ सकते हो आप बोसिया में, बहुत मज़ा है इधर, और ये मासी मेरी बहुत अच्छी औरत है, मेरे को लस्सी दे रही है वो, आप इनसे इनसे आके लस्सी कभी भी ले सकते हो। यहाँ पे शायद भाई आप इनको व्यू दिखा दो, भाई मैं एक चीज आपको बताऊं, देखिए फ्रांस में थोड़ा टेस्ट, दुनिया में आज तक जितनी भी पीते हैं पी है मैंने, सबसे तगड़ी चीज, आप एक घूंट मारिए, ओह ओह ओह, देखिए हमें भी ये गाय घर में, लेकिन ऐसा टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस गाय में भी फॉल्ट है, क्योंकि उसे भी हम ऐसी वैसी चीजें खिलाते हैं, वो भी प्योर दूध नहीं देती है, तो फिर जो बाज़ार से लाएंगे वो दूध, फिर उसका हाल, तो यहाँ पे जो है ये सब पहाड़ी हैं, शुक्रिया आपका, जैसे हम उड़ी बोनियार से हैं, वैसे ये भी यहाँ पे रफियाबाद से हैं, हमारे घर से यहाँ पे 150-200 किलोमीटर का रास्ता है, तो बहुत ही बेहतरीन लस्सी है। तो
सर लस्सी आपके लिए हम ले आए, अब क्या बोलते हो आप? एक घूंट मार के देखो ना टेस्ट, वैसा ही है पुराना वाला या? यार बढ़िया, जबरदस्त लस्सी और ठंडी, इसको बोलते हैं लस्सी जी। एक तो बाजार में मिलती है नमक डाल जी जी जी, मगर वो लस्सी नहीं है, वो पाउडर होता है। अच्छा अच्छा, बुलाया इधर, वो तो से मदारी मदारी मदानी, तो चलो भाई पियो। अच्छा वो ये जो है, मुझे एक चीज बताइए आप, उड़ी बुनियार में ऐसी लस्सी मिलेगी कहीं? नहीं, उड़ी बुनियार में ऐसी लस्सी नहीं मिलेगी। मैं 93 से वहाँ घूमा जी और 21 हो गया, आज तक ऐसी लस्सी मैंने किसी जगह नहीं देखी। तारीफ लायक है, और इसीलिए मैंने कहा था कि आप हमारी बात आगे पहुँचाएं, यहाँ सड़क हो जाए, टूरिज्म भी आएंगे। ये क्लास अगर 50 रुपए में मिलेगा ना जी, बहुत बढ़िया है, बहुत। सर जी ये हमें बताइए, ये क्या है इधर? ये इसको बोलते हैं जबड़ी। जबड़ी, हाँ जबड़ी मीन्स जो भी जानवर यहाँ आकर पानी पीता है, क्योंकि इधर कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है जी। इसको खड्डा खोदा है बहुत बड़ा, जिसमें ये पशु वगैरह आकर पानी पीते हैं जी। नाम इसका है जबड़ी। जबड़ी जबड़ी, बहुत यहाँ लोग दिख रहा है, स्विमिंग पूल है जैसे नहाने की जगह, ये मानो स्विमिंग पूल जैसा नज़र आता है, लेकिन ये बन जाता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट तवज्जो करती, लेकिन अब हमने ये पशु के लिए रखा है। अच्छा, मानो उन्हीं का स्विमिंग पूल है। तो अगर हम लोग इधर छलांग वगैरह मारेंगे इधर नहाने के लिए, क्या लगता होगा आपके हिसाब से? ये गहरा उतना नहीं है, ये 2-3 फुट तक है जी, उतना गहरा नहीं है, लेकिन इसमें कपड़े खराब हो जाएंगे ये, क्योंकि ये बारिश का पानी है। अच्छा, ये नेचुरली नहीं है, गंदा पानी है। गंदा पानी है। अच्छा, इसलिए आप वहाँ मत। इनको क्या बोलते हैं? जबड़ी। अच्छा जबड़ी, जबड़ी, जबड़ी से। ठीक सर, ठीक। तो ये है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, जो कि हम यहाँ पे आज आए थे, तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। शायद भाई आलू के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, एक बार आलू के बारे में दो लफ्ज। हमारे कश्मीर में जितने भी आलू के शॉप्स हैं वो यहीं से जाती हैं, और ये घोड़ों पे भी आलू आ रहे गाइस, आपने देखा कि हमने खाना वाना सब कुछ खा लिया है, तो अब हम जा रहे हैं अपनी चाय बनाने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास मटेरियल है चाय का, तो अब हम जाएंगे किसी के घर में, यहाँ पे किसी जगह हम देंगे अपना मटेरियल जो हमें चाय बना के देंगे। तो यहाँ पे हमने अपना सामान रखा हुआ है। फरहान भाई म्यूज़िक थोड़ा बंद करना जी। सर बोलो, वो कहाँ है मटेरियल? मटेरियल बस निकाल रहे हैं, हम लोग चाय बनाने जा रहे हैं अब, तो यहाँ हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं पार, उन्हीं से चाय वगैरह बना लेंगे। मटेरियल तो है हमारे पास, चीनी चाय है, लेकिन दूध का कुछ मसला है, तो वो कर लेंगे हम लोग। जी जी जी, व्यू का क्या कहना चाहेंगे आप? तो बहुत तगड़ा है इधर, व्यू का क्या है? व्यू तो मतलब एक बोल सकते हो आपके जन्नत है, वो तो आपको पहले ही पता है कि कश्मीर तो एक जन्नत ही जन्नत है, तो उधर व्यू का तो क्या बोले, मैं व्यू के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, मैं इतना तगड़ा व्यू है। तो गाइस हम एक बार फिर उसी रूम में जा रहे हैं जहाँ पे हम अभी गए थे,
तो अभी हम जा रहे हैं फिर वहीं हमें चाय बनानी है। तो रान भाई कैसा सीन, कैसा रहा आज का सीन? तो बहुत तगड़ा रहा, बहुत मज़ा आया। नाइम भाई क्या बोलूँ मैं आपको, इतना मज़ा आया कि मतलब जिंदगी में कभी। अच्छा अब हमें कैमरा की बैटरी जो है वो लो होगी क्योंकि हमने बहुत सारी फोटोग्राफी की यहाँ की। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो नेचुरल व्यू है ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। मतलब बिल्कुल तगड़ा, बहुत तगड़ा व्यू है, मतलब ऐसा जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ मैं। और मैं भी तो यहाँ फर्स्ट टाइम आया, मतलब व्यू देख के तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, हद से ज्यादा। अभी देखते हैं हम लोग, दूध का जुगाड़ हो जाए तो फिर चाय वगैरह बना लेंगे बुजुर्गों के लिए। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। हाँ तो फरहान भाई आप आलू के बारे में क्या बोलना चाहते हो? आलू के बारे में क्या बोलूं यार मैं। हाँ आलू तो लगाए दुनिया ने, निकालने तो खुद मैंने। और जगह व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और ये छोटी बच्ची आप देख रहे हो ये अगली बार इंशाल्लाह